चिरागों से रोशनी नहीं होती मेरे दोस्तों, मैंने शिक्षा से घरों को रोशन होते देखा है। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल DPG स्टडी पर। तो आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि आज हम पढ़ाने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। जी हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब कि वेक्टरों को जोड़ना, दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ना, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। अब बाद में जो ये आ जा रहा है कार्टेशियन फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि दिया है आपको, आपको कहीं कहीं दे देगा 3i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 5k कैप, 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप। ये जो है ना i कैप j कैप और k कैप, इन्हीं को क्या कहते हैं हम? कार्टेशियन फॉर्म। i कैप j कैप और k कैप, ये हो गए हमारे कार्टेशियन फॉर्म। तो हमारा हो गया ना एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन ऑफ वेक्टर मीन्स दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ना, किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप में दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ना। तो हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है, दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए दिया गया है वेक्टर ए, और यहाँ पर दिया गया है वेक्टर बी। अब वेक्टर ए बराबर दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप। अब वेक्टर बी बराबर दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप। वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप। वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इनको जोड़ना है हमें, जोड़ेंगे कैसे? प्लस का सिंबल लगा के, जानते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ये जो यक्स है ना ए यक्स बी यक्स, यक्स को यक्स के साथ और वाई को वाई के साथ जोड़ेंगे। यक्स को यक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, मतलब ए यक्स को बी यक्स के साथ, ए वाई को बी वाई के साथ। तो चलिए जोड़ते हैं, ए यक्स प्लस में बी यक्स हो गया आई कैप। अब फिर यक्स को यक्स के साथ जोड़ा ए यक्स बी यक्स, ए यक्स प्लस बी यक्स। अब वाई को वाई के साथ, मतलब ए वाई को बी वाई के साथ, ए वाई प्लस में बी वाई, और ये हो गया हमारा जे कैप। एक यक्स को यक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जो बाद में डायरेक्शन का सिंबल आई कैप, इसे लिख दिया जे कैप, इसे लिख दिया। अब ये आया कहाँ से? हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ा, आया हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ये जो हमारा आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई, ये कहाँ से आया? अब इसके बारे में हमें जानना है कि ये हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स कहाँ से आया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप। अब बी वेक्टर बी दिया है हमारा बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप, और यहाँ पर सिंबल दे दिया गया है। हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, आई कैप जे कैप और के कैप में जोड़ना है। तो हमारा दिया गया है एक सिंबल, मान लीजिए फिगर दिया गया है, इसमें वेक्टर ए यहाँ पर है और वेक्टर बी यहाँ पर है, वेक्टर ए यहाँ पर है वेक्टर बी यहाँ पर है, ये हमारा डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये हमारा हो गया वेक्टर। अब आपसे पूछें ये कैसे जुड़ा है, किस नियम से जुड़ा है? त्रिभुज नियम से कि चतुर्भुज के नियम से? ये जो हमारा वेक्टर जुड़ा है त्रिभुज के नियम से जुड़ा है कि चतुर्भुज के नियम से? त्रिभुज का नियम हमारा कहता है कि जो वेक्टर होगा पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूछ रख के हम वेक्टर को जोड़ेंगे, और जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की पूछ से दूसरे वेक्टर की सिर से जाके टकरा जाएगा। ये मान लेते हैं ये मान लेते हैं बी, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट आर।
त्रिभुज के नियम में पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूंछ, रिजल्टेंट हमारा आर। अच्छा चतुर्भुज के नियम में क्या होता है, जो वेक्टर होंगे ना उनकी पूंछ से पूंछ जुड़ती है, ये मान लेते हैं वेक्टर ए, ये मान लेते हैं वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, जहाँ पर पूंछ से पूंछ जुड़ी है वही उन्हीं के बीच से हमारा रिजल्टेंट निकल गया। त्रिभुज के नियम में पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूंछ, रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा। चतुर्भुज के नियम में पहले वेक्टर की पूंछ दूसरे वेक्टर की पूंछ से सट जाएगी, रिजल्टेंट उनके बीच से निकलेगा। ये हो गया। अब फिगर में क्या दिया है, फिगर में हमारा दिया है पहला वेक्टर ये है, इसी वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूंछ रखी गई है ना, ऐसा वेक्टर है हमारा, ये जो पूंछ है ये वेक्टर का सिर है दूसरे वेक्टर का, ये पूंछ पहले वेक्टर के सिर पर रखी गई है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर लगेगा त्रिभुज का नियम, क्योंकि त्रिभुज के नियम में पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूंछ और दूसरे वेक्टर के सिर पे तीसरे वेक्टर की पूंछ, जितने वेक्टर होंगे वैसे इसी फॉर्म में जोड़ते चले जाएंगे। और लास्ट में रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, लास्ट में रिजल्टेंट हमारा निकलता है सेम अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वेक्टर की पूंछ से रिजल्टेंट का पूंछ निकलेगा, लास्ट वेक्टर की सिर से रिजल्टेंट का सिर टकरा जाएगा। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। क्या किया हमने, त्रिभुज के नियम में पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूंछ रख दी, ये हमारा वेक्टर जुड़ गया, दो वेक्टर दिए गए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, उसको हमने जोड़ा, रिजल्टेंट निकला अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे निकलता है, पहले वेक्टर की पूंछ से लास्ट वेक्टर के सिर पे हमारा रिजल्टेंट रहेगा, पहले वेक्टर की पूंछ से पूंछ रिजल्टेंट टकराएगा, सिर से सिर रिजल्टेंट का सिर टकराएगा, ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया। अब आपसे हम पूछें कि वेक्टर, ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट बताइए तब क्या होगा, ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट बताइए तब क्या करेंगे भैया, आपसे ये जो हमारा वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट बताइए और वाई कंपोनेंट बताइए तब क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जो वेक्टर होगा उसी के सिर से एक लंब गिरा देंगे एक्स एक्सिस पर। अब देखिए ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो हमारा वेक्टर है ए, इसी के सिर से एक लंब गिरा दिया, परपेंडिकुलर गिरा दिया एक्स एक्सिस पर, ये हमारा वेक्टर इसी के सिर से एक लंब गिराया एक्स एक्सिस पर। अब देखिए ये जो हमारा वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस किधर होगा भैया, ये जो वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये वेक्टर हमारा इसका एक्स कंपोनेंट किधर होगा, एक्स कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, एक्स कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, ये हमारा वेक्टर इसका एक्स कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, इसी के सिर से एक लंब गिराएंगे किस पर, वाई कंपोनेंट पर, वाई कंपोनेंट पर एक परपेंडिकुलर मतलब लंब गिराएंगे वाई पर। अब इसका वाई कंपोनेंट किधर होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस इधर है तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, तो देखिए ना इधर ए है इधर एक्स है, तो सेम इधर क्या होगा, इधर होगा ए वाई, ये हो गया हमारा ए वाई, ए वाई ये इतना हो गया ए एक्स, इतना हो गया ए वाई। हमने वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट किधर निकाला, नीचे की ओर, ये इधर से ऐसे नीचे आ गया, इधर से नीचे आ गया ये एक्स कंपोनेंट हो गया, अब इधर से ये ऊपर चला गया तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट मिल गया। अब पूछे कि वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताइए तब क्या करेंगे, वेक्टर ए का तो हमने निकाल लिया इधर ए एक्स ऊपर ए वाई, ठीक इसी प्रकार इसका वेक्टर बी का कंपोनेंट बताइए तब क्या करेंगे, जैसा नियम पहले वेक्टर में लगाया वैसा ही नियम दूसरे वेक्टर में भी लगाएंगे। पहले नियम में क्या किया, पहले वेक्टर के सिर से एक लंब गिरा दिया एक्स पर, ठीक इसी प्रकार इसका भी जब एक्स निकालना होगा तो इसके सिर से एक लंब गिरा देंगे, ये हमने लंब गिरा दिया। अब देखिए
ये था हमारा ए, ए का एक्स कंपोनेंट इधर, तो ये हमारा बी है ना, बी का एक्स कंपोनेंट भी तो इधर ही आएगा, ये जो हमारा बी है इसका एक्स कंपोनेंट नीचे की तरफ, तो इतना हमारा हो गया बी का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट नीचे की तरफ, ये हो गया हमारा बी एक्स। अब आपसे पूछे कि इसका वाई कंपोनेंट किधर होगा, तो इसका वाई कंपोनेंट जब एक्स इधर है तो इसका वाई कंपोनेंट इधर ही तो होगा, एक लंब गिराइए इसके सिर से, एक लंब गिराया हमने इसके सिर से, तो इसका वाई कंपोनेंट इधर होगा, एक्स इधर तो वाई इधर, तो ये जो हमारा हो गया ना, ये हो गया बी वाई। हमने क्या किया, दो वेक्टरों को जोड़ा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट त्रिभुज के नियम से अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में रिजल्टेंट निकला आर। अब आपसे हमने पूछ लिया कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताइए, तो आपने क्या किया, वेक्टर ए के सिर से एक लंब गिरा दिया एक्स पे, इसी के सिर से एक लंब गिरा दिया वाई पे। अब नीचे की तरफ ए एक्स, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट नीचे की तरफ ए एक्स, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट वाई में ए वाई, ठीक इसी प्रकार बी से एक लंब गिराया एक्स पर, एक लंब गिराया वाई पर। अब इसका एक्स, इसका बी एक्स का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट बी वाई हमें मिल गया। तो हमें क्या मिला, वेक्टर ए का कंपोनेंट मिल गया ए एक्स ए वाई, वेक्टर बी का कंपोनेंट मिल गया बी एक्स और बी वाई। अब हम आपसे पूछें कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट किधर होगा, ये जो रिजल्टेंट है इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट किधर होगा, तब क्या करेंगे, सेव यही नियम देखिए, यहाँ पर जब सिर से सिर टकराए हैं तो इसका परपेंडिकुलर इधर, इसका इधर, तो वेक्टर आर का भी इधर होगा इधर होगा। अब जब वेक्टर आर का रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट जो ये आर है, इस रिजल्टेंट का कंपोनेंट पूछे तो क्या होगा, ये देखिए ना वेक्टर आर इधर है, वेक्टर आर इधर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट सीधे उठा के नीचे ले आइए, एक्स कंपोनेंट इधर आ गया, ये हो गया हमारा आर एक्स। क्या किया हमने, ये जो रिजल्टेंट आर का वेक्टर है ना, रिजल्टेंट आर, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा, उसका रिजल्टेंट निकल कर आया आर। तो हमने क्या किया, ये जो रिजल्टेंट का कंपोनेंट निकाला, तो एक्स कंपोनेंट अगर नीचे है तो इसी के परपेंडिकुलर में वाई कंपोनेंट भी आएगा, जस्ट इसी के परपेंडिकुलर में वाई कंपोनेंट क्या आ गया, आर वाई, आर एक्स नीचे तो आर वाई ऊपर। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम, हमने पहले वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाला, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, ठीक इसी प्रकार वेक्टर बी का कंपोनेंट निकाला, वेक्टर बी का कंपोनेंट बी एक्स, वाई कंपोनेंट बी वाई। अब हमने दोनों को जोड़ दिया तो रिजल्टेंट निकल कर आया आर, तो हम कहते हैं कि वेक्टर आर का भी रिजल्टेंट निकालिए, वेक्टर आर का जो है वो निकालिए कंपोनेंट। वेक्टर आर का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे भैया, जैसे ए का निकाला वैसे बी का निकाला, ठीक इसी प्रकार वेक्टर आर का भी निकलेगा। तो हमने क्या किया, वेक्टर आर को एक्स एक्सिस पर घुमाया तो एक्स एक्सिस की तरफ उसका एक्स कंपोनेंट आया, तो यहाँ पर लिख दिया आर एक्स, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स, वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट आर वाई। इतना आपको समझ में आया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये जो आर एक्स, ये जो हमारा आर एक्स है, ये जो हमारा आर एक्स है, ए एक्स और बी एक्स के बराबर तो है, ये आधा ए एक्स, ये जो आधा ए एक्स आधा बी एक्स, पूरे के बराबर आर एक्स, आर एक्स ए एक्स और ए एक्स और बी एक्स को जोड़ने पर हमें आर एक्स तो मिला है, ये आर एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू आर एक्स, आर एक्स ए एक्स और बी एक्स के बराबर हैं, आर एक्स और बी एक्स आर एक्स के बराबर हैं। देखिए आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस में बी एक्स, आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस में बी एक्स, ये हो गया हमारा। अब
ये हमारा हो गया आर एक्स। अब ठीक इसी प्रकार आर वाई को देख लीजिए, आर वाई, आर वाई भी तो ए वाई और बी वाई के बराबर है। जिस प्रकार आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, इन दोनों को जोड़ने पर हमें आर एक्स मिल रहा है, ठीक इसी प्रकार ए वाई और बी वाई को जोड़ने पर हमें आर वाई तो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आर एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, आर वाई प्लस बी वाई, ये हमें मिल गया आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। आर एक्स ए एक्स और बी एक्स के बराबर है, आर वाई ए वाई और बी वाई के बराबर, हमने इसी को उठा के यहाँ पर लिख दिया। अब हम आपसे पूछें, अब वेक्टर आर बताइए, अब आपसे पूछें कि वेक्टर आर बताइए, ये तो आपने हमें बताया कि आर का एक्स कंपोनेंट और आर का वाई कंपोनेंट किसके बराबर है। वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। अब हम पूछें आपसे कि वेक्टर आर बताइए, वेक्टर आर बताइए, तो वेक्टर पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि जब भी वेक्टर निकालेंगे तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी डायरेक्शन जोड़ देंगे, उसका एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ वाई कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ और वाई कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ जोड़ देंगे। तो वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट ये हो गया आर एक्स आई, ये हमने जोड़ दिया वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट विद डायरेक्शन आर वाई जे का, ये हो गया हमारा। हमने क्या किया, जब भी वेक्टर निकाला तो उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को जोड़ दिया, एक्स कंपोनेंट आर एक्स डायरेक्शन के साथ, आर वाई डायरेक्शन के साथ। अब देखिए, अब जो ये हमारा है वेक्टर आर, आर एक्स हमने पहले ही निकाल लिया है, अब ध्यान से देखिएगा, आर एक्स हमने पहले ही निकाला है। आर एक्स किसके बराबर है, आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख दें आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। आर वाई किसके बराबर है, आर वाई है ए वाई और बी वाई के बराबर, तो हम लिख देंगे ए वाई प्लस बी वाई जे डायरेक्शन में। हमने क्या किया, आर एक्स निकाला ए एक्स प्लस बी एक्स, आर एक्स किसके बराबर है ए एक्स और बी एक्स, आर वाई किसके बराबर है ए वाई और बी वाई, आर वाई ए वाई और बी वाई के बराबर है। अब हम आपसे कहते हैं कि वेक्टर आर बताइए, तो क्या करेंगे, वेक्टर आर निकालने के लिए इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, आर एक्स आई कैप मतलब कि ये डायरेक्शन है हमारा, डायरेक्शन के साथ आर एक्स को और आर वाई को जोड़ दिया। एक्स डायरेक्शन में होता है आई कैप और वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप, तो हमने जोड़ दिया। जब वेक्टर आर निकालते हैं तो आर एक्स हमने यहाँ पर पहले ही निकाल लिया है, आर एक्स आया है हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आर एक्स की जगह हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स और क्या डायरेक्शन, वो भी एक्स डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन लिख देते हैं। अब हमने आर वाई भी निकाल लिया है, आर वाई निकाल लिया है तो इसको इसके साथ रख देते हैं। अब देखिए, अब हमने जब भी वेक्टर निकाला था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकल कर आता है हमारा आर, वेक्टर आर निकल कर आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर आर है ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है हमारा आर। तो आर की, वेक्टर आर की जगह हमने लिख दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर की जगह लिख दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए, यहाँ पर निकल कर आया ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, प्लस में ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप,
क्या निकल कर आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया, ए एक्स बी एक्स आई कैप ए वाई बी वाई जे कैप। आपको हमने पहले ही शुरुआत में बताया था, शुरुआत में हमने आपको निकाल कर दिखाया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब जोड़ते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम जोड़ते हैं तो क्या निकल कर आता है, ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। यही निकल कर आया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमने जोड़ा, निकल कर आया ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस में ए वाई बी वाई जे कैप। ठीक सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी निकल कर आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकल कर आया है हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। सेम टू सेम देख लीजिए, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स आई कैप आई कैप, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई लास्ट में जे कैप। सेम टू सेम यही निकल कर हमारा आ गया। तो हमने इसमें किया क्या, हम आपको हमेशा करना क्या है, यक्स को यक्स के साथ जोड़ेंगे, विच डायरेक्शन डायरेक्शन के साथ, यक्स को यक्स के साथ जोड़ेंगे, वाई को वाई के साथ जोड़ेंगे। यक्स को यक्स के साथ जोड़ना है, वाई को वाई के साथ जोड़ना है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म में, आई कैप जे कैप और के कैप में मिलेगा, तब हमें यही फार्मूला लगाना है। कौन सा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। अगर जेड वाला होगा, अगर जेड डायरेक्शन दिया होगा तो क्या करेंगे, ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी पर। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर लिख दिया है एट आई कैप सेवन जे कैप प्लस में फाइव के कैप, वेक्टर ए बराबर आपको दिया है, वेक्टर ए बराबर आपको दिया है एट आई कैप सेवन जे कैप फाइव के कैप। अब वेक्टर बी बराबर, ये मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए इधर लिखा है, और वेक्टर बी, वेक्टर बी बराबर आपको दिया है फोर आई कैप प्लस में सिक्स जे कैप, सिक्स क्या मान लेते हैं फाइव जे कैप, और यहाँ पर थ्री के कैप। अब वेक्टर ए बराबर दिया है एट आई कैप सेवन जे कैप फाइव के कैप, अब वेक्टर बी बराबर दिया है फोर आई कैप फाइव जे कैप प्लस में थ्री के कैप। अब आपसे पूछेगा, आपसे अगर कोई पूछ ले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताइए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताइए, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको। क्वेश्चन कैसे देगा, वेक्टर ए बराबर दे देगा एट आई कैप सेवन जे कैप फाइव के कैप, वेक्टर बी बराबर दे देगा फोर आई कैप फाइव जे कैप प्लस में थ्री के कैप। और आपसे पूछेगा वेक्टर ए प्लस बी बराबर बताइए कितना आएगा आंसर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर कितना आंसर आएगा, तब क्या करेंगे, तब करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही आपको निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या, आपको हमने बताया आई को आई के साथ, मतलब कि यक्स को यक्स के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ, के को के के साथ, देखिए ना यक्स को यक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। तो यक्स का जो डायरेक्शन होता है आई कैप, वाई का डायरेक्शन जो होता है जे कैप, और जेड का डायरेक्शन जो होता है के कैप। तो क्या करेंगे, आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ, और के को के साथ, ऐसे जोड़ना है। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए ना एट प्लस फोर, एट प्लस फोर आई कैप, हमने आई को आई के साथ जोड़ दिया, आई दिया है एट, फिर दिया है फोर, एट प्लस फोर आई कैप, आई को आई के साथ जोड़ा, आई 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 तो इसको कामन ले लिया। अब देखिए जे को जे के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर सेवन है, सेवन प्लस फाइव जे,
जे को जे के साथ, जे दिया है 7 और जे दिया है 5, जे बराबर है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। प्लस में दिया है 5, के को के साथ 5 + 3 के कैप। इसमें किया क्या हमने, आई को आई के साथ जोड़ा, आई को आई के साथ जोड़ा, जे को जे के साथ जोड़ा, के को के साथ जोड़ा। अब देखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी कितना आएगा, वेक्टर ए आएगा, वेक्टर ए प्लस बी आएगा 8 × 4 = 12, आई कैप 7 और 5 = 12, जे कैप 5 और 3 = 8, के कैप। हमने क्या किया, क्वेश्चन में आई को आई के साथ जोड़ा, 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12, आई कैप, और 7 × 5 = 12, जे कैप 5 और 3 = 8, के कैप। ये तो हमारा आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया 12 आई कैप प्लस में 12 जे कैप प्लस में 8 के कैप। ये तो आपका आ गया ए प्लस बी। अब आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताइए। पहले तो आपने प्लस का तो निकाल लिया, अब माइनस क्या क्या करेंगे, माइनस का करना क्या है भैया, इसमें से इसको घटा देंगे, आई में से आई को घटाएंगे, जे में से जे को घटाएंगे, के में से के को घटाएंगे। जैसे जोड़े थे वैसे घटाएंगे भी। अगर आई को आई के साथ जोड़ रहे हैं ना, तो आई को आई के साथ घटाएंगे भी। किसमें, ए माइनस बी में, वेक्टर ए माइनस बी में क्या करेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ घटाएंगे। तो इसमें करेंगे क्या, घटाने के लिए देखिए आई को आई के साथ घटाएंगे ना, इसमें आई को आई के साथ जोड़ा तो आई को आई के साथ घटाएंगे। घटाने में क्या करेंगे, आई दिया है 8 और माइनस में 4, आई कैप 8 - 4, आई कैप। अब देखिए प्लस में क्या दिया है, 7 - 5, जे कैप। प्लस में दिया है 5 - 3, के कैप। आई को आई के साथ घटाया, जे को जे के साथ घटाया, के को के साथ घटाया। अब हम निकालेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना आएगा, क्या करेंगे भैया, डायरेक्ट घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, आई कैप। अब कितना, 7 में से 5 गया 2, जे कैप। 5 में से 3 गया 2, के कैप। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या किया, आई में से आई को घटाया, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, आई को आई के साथ घटा दिया, जे को जे के साथ घटा दिया, के को के साथ घटा दिया। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हम इसका नंबर चेंज कर दें तब आपको क्वेश्चन करने के लिए कहे, तब क्या करेंगे, अगर हम इसका नंबर चेंज कर दें, इधर नंबर चेंज कर दें, इधर लिख दें 5 3 4 और इधर लिख दें 3 2 1। अब पूछें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताइए, सेम वही, बस नंबर हमने चेंज किया है। अब पूछा क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको बताना है, हमने सिर्फ नंबर चेंज किया और सब वही है। अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था अगर प्लस दिया है तो आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ जोड़ेंगे और के को के साथ जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो आई को आई के साथ घटाते, जे को जे के साथ घटाते और के को के साथ घटाते। तब यहाँ पर प्लस दिया है तो क्या करेंगे भैया, इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे ना, डायरेक्ट जोड़ते हैं। अब 5 × 1 = 6, आई कैप, 3 × 2 = 5, जे कैप, 4 × 3 = 7, के कैप, बस आ गया। अगर आपसे पूछ ले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तब क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा दीजिए, घटाना है तो आई में से आई को घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, आई कैप। अब देखिए 3 में से 2 गया 1, अब चाहे 1 को लिखे चाहे ना लिखे, 4 में से 1 गया इतना,
ये हो गया आपका 4i कैप प्लस में j प्लस k कैप, इतना आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को बंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन में करना क्या, क्वेश्चन में करना है आपको वेक्टर ए बराबर आपको दे दिया जाए, वेक्टर ए बराबर दे दिया जाए 2i कैप प्लस में जे कैप। अब वेक्टर बी बराबर दे दिया जाए, वेक्टर बी बराबर 3i कैप 3j कैप और प्लस में के कैप। और सी बराबर वेक्टर दे दिया जाए, वेक्टर सी बराबर दे दिया जाए 6i कैप प्लस में 2k कैप। और आपसे पूछे, आपसे पूछेगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर 2b प्लस में 3c बताइए, आपसे पूछ ले वेक्टर आपको दे दिया जाए, वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस में j कैप, अब वेक्टर बी बराबर दिया है 3j कैप प्लस के कैप, अब वेक्टर सी बराबर दिया है 6i कैप प्लस में 2k कैप। आपको बताना क्या है, आपको बताना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2 वेक्टर 2b और 3c, आपको यही बताना है। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना भैया, आपको दिया है वेक्टर ए दिया है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए की जगह इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, जो वेक्टर बी की जगह इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, सी की जगह वेक्टर को उठा के यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, आपसे पूछा है, आपसे पूछा है वेक्टर ए, आपसे पूछा है वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर 2b प्लस में 3c, आपसे यही पूछा है। तो करेंगे क्या, अब दिया है वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर ए की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप। अब प्लस में दिया है 2, वेक्टर बी आपको दिया है, वेक्टर बी दिया है कितना 3j कैप प्लस के कैप, अब प्लस में दिया है यहाँ पर 3, और वेक्टर सी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितना 6i प्लस 2k कैप। हमने क्या किया, सभी वेक्टर की जगह उनकी वैल्यू उठा के रख दी, वेक्टर ए की जगह इसको उठा के यहाँ पर पटक दिया, वेक्टर बी की जगह इसको उठा के यहाँ पर पटक दिया, वेक्टर सी की जगह इसको उठा के यहाँ पर पटक दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर है 2i कैप प्लस में जे कैप, 2i कैप प्लस में जे कैप। अब देखिए ये जो ब्रेकेट के अंदर इसके बाहर 2 है तो इसका गुना इसमें हो जाएगा, इसका गुना एक बार इसमें होगा, फिर इसका गुना एक बार इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 जे कैप। इधर 1 कैप है, 1 में 2 का गुना करेंगे तो आएगा 2, तो हो जाएगा 2k कैप। अब यहाँ देखिए ब्रेकेट के बाहर 3 है और ब्रेकेट के अंदर 6 और 2 है, तो क्या करेंगे इसका गुना इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, अच्छा 6k कैप। अब करना क्या है आपको, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आई को आई के साथ जोड़ दीजिए, जे को जे के साथ और के को के साथ जोड़ना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ जोड़ना है। तो करेंगे क्या भैया, यहाँ पर 2i है और यहाँ पर और आई कहाँ है, यहाँ पर 1i है और यहाँ पर आई 18 और 2 = 20i कैप प्लस में। अब जे को जे के साथ देखिए, यहाँ पर 1j है, यहाँ पर 6j है, 6j और 1j कितना हो गया 7j। अब देखिए यहाँ पर 1k यहाँ पर 6k कितना हो गया 6 और 2 = 8k। आई को आई के साथ जोड़ दिया, जे को जे के साथ जोड़ दिया, के को के साथ जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए, और हंसते रहे खेलते रहे मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ओके, गुड बाय, गुड नाइट।